आज हम दिवाली के लिए एक ट्रेडिशनल मिठाई बनाएंगे जिसे हम महीना भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं कलरफुल खाजा। एक कप मैदा लिया है, ये 150 ग्राम मैदा है। एक पिंच जितना नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। मोइन के लिए देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम एक टेबलस्पून घी डाल रहे हैं, मिक्स करके देख लेंगे। आधी टेबलस्पून घी और डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैदा जो है वो इस तरह से बाइंड हो रहा है, जिस तरह से ब्रेड क्रम का टेक्सचर होता है वैसा हो गया है। इतना मोइन हमें डालना है अंदर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हमने लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंथ लेते हैं। पानी ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के ही हम आटा गूंथेंगे। आटा हमें मीडियम सॉफ्ट गूंदना है, ज्यादा एकदम सॉफ्ट भी नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं, आप देख सकते हैं। एक मिनट आटे को मसल लेंगे। एक मिनट आटे को मसल लिया है, एक तिहाई कप पानी डाल के हमने आटा गूंथ लिया है। 10 मिनट आटे को हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुकी है, आटे का हम दो भाग कर लेंगे इस तरह से, दो बराबर का हिस्सा कर लेंगे। दो हिस्सा किया है, इसमें से हम एक ले लेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के रखेंगे, नहीं तो आटा सूख जाएगा। और एक हिस्से में से इसका हम चार भाग करेंगे। इस तरह से हम चार हिस्सा कर लेंगे। हमने चार लोई बनाई है, इसमें से एक लोई को इस तरह से थोड़ी स्प्रेड कर लेंगे। ऑरेंज लिक्विड कलर लिया है हमने, इसका हम दो तीन ड्रॉप डालेंगे। इसे इस तरह से मिला लेंगे। पहले हमने एक ड्रॉप डाला है और एक ड्रॉप डालेंगे। आपके पास अगर लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप पाउडर कलर भी ले सकते हैं, एकदम थोड़ा पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने ऑरेंज कलर की एक लोई बना ली है। इसी तरह से हम दूसरी लोई में लेमन येलो कलर डालेंगे। इसी तरह से हमने येलो कलर की भी एक लोई बना ली है। तीसरी लोई में भी कलर डालेंगे। रोज रेड कलर लिया है, इसका दो ड्रॉप डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चौथी लोई में हम ग्रीन कलर डालेंगे, ग्रीन कलर का भी दो ड्रॉप डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। ग्रीन कलर की लोई भी रेडी हो गई है। आपको अगर चार कलर का नहीं बनाना है तो आप कोई भी तीन कलर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या फिर कोई भी दो कलर का इस्तेमाल करके भी आप इस तरह से बना सकते हैं। चारों लोई का हम लंबा रोल बना लेंगे इस तरह से, और इसे थोड़ा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा चपटा कर लेंगे। चारों लोई को हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं। एक लोई जो हमने रखी थी इसे हम बेल लेते हैं। इस तरह से थोड़ी हम इसे बेल लेते हैं। हमने इसे इतनी बड़ी बेल ली है,
इसके ऊपर पहले ये एक रेड हिस्सा लगाएंगे इस तरह से, अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करके लगाएंगे दबा के। फिर येलो वाला लगा देंगे, फिर ग्रीन वाला लगाएंगे, अच्छे से दबा के इस तरह से लगा लेंगे, और फिर लास्ट में ये ऑरेंज वाला इस तरह से अच्छे से दबा लेंगे इसे। अभी हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से इसे पतला बेल लेना है। हमने इसे चॉपर पे ले लिया है, और चॉपर पे लेके इसे थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हमें इसे इतना मीडियम पतला बेलना है। ऊपर मेल्टेड घी लगाएंगे। घी को हमने थोड़ा सा गर्म करके मेल्ट कर लिया है। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे, अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड करना है। अच्छे से हमने घी को फैला लिया है। इसके ऊपर हम मैदा डालेंगे। इस तरह से हमें मैदा डालना है, सब जगह पे इस तरह से मैदा डाल देंगे। ऊपर मैदा हमने अच्छे से डाल दिया है। अभी हम इसका रोल बना लेंगे। इस तरह से इसका रोल बना लेंगे, टाइट रोल बनाना है। इस तरह से इसे चिपका लेना है। इसे हम नाइफ से कट करेंगे इस तरह से, 1 सेंटीमीटर की लंबाई में हम इसे कट करेंगे। इस तरह से रोल को कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया है रोल को। हमने एक डिश में ले लिया है। अभी हम इसे थोड़ा बेल लेते हैं। ये जो चिपकाया हुआ भाग है इसे हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, और इसे इस तरह से दबा लेंगे। थोड़ा सा त्रासा दबाना है इस तरह से। वापस एक बार मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से रख के थोड़ा हमें स्लांट इसे प्रेस करना है इस तरह से, ताकि अंदर का कलर जो है दोनों साइड पे दिखाई दे। सभी रोल को हमने इसी तरह से दबा के तैयार कर लिया है, और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा दिख रहा है। इसे हम थोड़ा बेल लेते हैं। इस तरह से इसे लंबा ही बेलना है, हल्के हाथ से थोड़ा, ज्यादा हमें पतला नहीं करना है। इस तरह से इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम गरम होना चाहिए। हम देख लेते हैं। अब देख सकते हैं एकदम धीरे से आटा ऊपर आ रहा है। इतना तेल हमें गरम चाहिए। पूरी को अंदर डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे से ऊपर आ रही है पूरी। पलट लेंगे। अब तक मीडियम फ्लेम थी, फ्लेम एकदम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से दबा के उलट पलट के इसे फ्राई करेंगे, तो इसका लेयर जो है वो अच्छे से खुलेगा। इस तरह से लो फ्लेम पे एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। ये हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सब फ्राई कर लेते हैं। खाजा को हमने फ्राई कर लिया है। अभी हम चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी ली है, 1/3 कप पानी डाल देंगे। गैस चालू करेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को पहले मेल्ट कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लिया है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक हम इसे उबाल लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चाशनी को हमने 4 से 5 मिनट उबाल लिया है, और ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद चाशनी को चेक करेंगे। चाशनी एकदम गाढ़ी बन गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह की चाशनी बननी चाहिए। गैस ऑफ कर देंगे। 4 से 5 इलायची के दाने हमने निकाले, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून रोज वाटर,
फ्यू सेकंड हम गैस को ऑन कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। 30 सेकंड के लिए हमने चाशनी को उबाला है। इस तरह से इतनी गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है। एक डिश में हमने खाजा को इस तरह से रख दिया है, गरम चाशनी इसके ऊपर डालेंगे। चाशनी को हमें ठंडा नहीं करना है, गरम गरम चाशनी ही ऊपर डालना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चाशनी ऊपर डाल देंगे। स्वीट खाजा रेडी है, इसे रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।